नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज कलात्रयी संस्था जो कि कला, संगीत कला और नृत्य कला को समर्पित है, उसके विकास के लिए और विशेष रूप से आज यहां स्वर्गीय प्रोफेसर सी एल दास की 88वीं यानी 88 बर्थडे मनाया गया। स्वर्गीय प्रोफेसर सी एल दास का जीवन तो पूर्णतः समर्पित था संगीत कला के विकास के लिए और उनकी चारों सुपुत्रियां भी जो हैं वो भी संगीत के क्षेत्र में अपना जो है नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुकी हैं। आइए इसी विषय पर बातें करते हैं, आज यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुआ और उनका क्या संदेश था। नमस्कार। अपना परिचय देंगे जरा। मैं रमा दास जी, कलात्रयी परिवार की ओर से आज पिताजी का जन्मदिन मनाया गया और उस कार्यक्रम में, उस आयोजन में सबसे पहले तबला सोलो का कार्यक्रम था, रूपक कुमार द्वारा तबला सोलो, फिर उसके बाद डॉक्टर रेखा रत्नम जी का शास्त्रीय गायन था जो राग मधुबंती प्रस्तुत की और उसके बाद अंत में देवानंद ठाकुर जी के भैरवी से समापन हुआ। तो आज उनका जन्मदिन हम लोग इसी रूप में संगीत को लेकर ही मनाए हैं और उनका क्या संदेश था वो रीता जी बताएंगी। जी नमस्कार, अपना परिचय देंगी जरा। नमस्कार जी। मैं रीता दास, अपने पिताजी से मैंने सरोद वादन की शिक्षा ली और आज उनका जन्मदिन है और मैंने, हम लोगों ने सभी भाई बहन और हमारे मित्रगण, हमारे शिष्यगण जो भी हैं, संगीत के माध्यम से उनका जन्मदिन मनाए। उनका संदेश यही होता था कि संगीत तो बुजुर्ग करते ही हैं परिपक्व होने पर, युवाओं में भी संगीत का प्रचार प्रसार होना चाहिए और युवा ही आगे बढ़ाते हैं हमारे कला या किसी भी परिवर्तन या बढ़ाने के लिए देश या समाज जो भी होता है, तो युवाओं के बीच में संगीत फैले, पनपे और उसमें एक डिसिप्लिन आए, उसको ये बहुत महत्व देते थे। तो आज हमारे बीच बहुत युवा थे, हमारे मित्रगण, शिष्यगण और हम लोगों ने इस तरह से अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया। कुछ वर्षों से नहीं मना पा रहे थे कोरोना की वजह से, पर 2-3 सालों के गैप के बाद हम लोगों ने मनाया। इस बात की हमें सबको बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। अपना परिचय देंगे। मैं रेखा दास जी, कलात्रयी परिवार की आभारी हूँ। वैसे तो पिताजी हम चारों भाई, पाँचों भाई बहन आज के दिन को मनाते आ रहे हैं वर्षों से, जब पिताजी जीवित थे और उनके देहांत के बाद हम सभी भाई बहन और हमारे जो शिष्यगण हैं, हमारे मित्र लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हमारे चित परिचित लोग हैं, सहयोगी हैं, उन सब के साथ मिल करके हम आज का दिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। और विशेष रूप से इसलिए इस जन्मदिन को मनाते हैं कि वैसे तो पिताजी सी एल दास अंग्रेजी के प्रोफेसर थे कॉमर्स कॉलेज में, लेकिन उनकी ख्याति संगीत को लेकर थी। वो सरोद वादक थे, संगीत चिंतक थे और संगीत हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, जैसा कि कोरोना काल में हम सबों ने फील किया है, महसूस किया कि संगीत जो है वो हमें एक जीवन शक्ति प्रदान करता है, जो कि इस कोरोना काल में लोगों ने इसको अनुभव किया, उसको फील किया, जो पिताजी पहले से बहुत वर्षों से ये करते आ रहे थे कि समाज में, जनजीवन में और ख़ास करके विशेष रूप से रीता जी ने जैसा बताया, युवा पीढ़ी में संगीत हो, आप किसी भी फील्ड में रहें, किसी फैकल्टी में आप जॉब करें, कहीं भी रहें, लेकिन संगीत आपसे जुड़ा रहे। इसलिए वो कॉमर्स कॉलेज में थे तो युवाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को आमंत्रित कर वहाँ एक वातावरण बनाने की तैयारी की थी और करते रहे थे। तो उसी परंपरा को हम लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तीनों बहनें संगीत से जुड़े हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है, और हमारी जो रीना जी हैं वो लेखन कार्य से जुड़ी हैं, जो पिताजी ने ही शुरुआत की संगीत का लेखन कार्य बिहार में, जो शुरुआत हुई तो पिताजी ने ही आर्यावर्त इंडिनेशन से किया, उसी परंपरा को रीना जी निभा रही हैं और पिताजी संगीत सरो से जुड़े थे जिसे रीता जी आगे बढ़ा रही हैं। मैं और रमा दी गायन और
नृत्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, जिसे अपनी शिष्याओं को, स्टूडेंट्स को सिखाकर, युवा पीढ़ी में शिक्षा प्रदान करके इसे बढ़ा रही हूँ। मेरी जो शिष्याएं हैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्राप्त करेंगे, स्कॉलरशिप उन्हें मिल रहा है, और बहुत से छात्र ऐसे हैं बॉम्बे में स्टूडियो में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस विधा से जुड़ी हुई हूँ, शिक्षा और संगीत साधना का तो कोई अंत नहीं होता, जीवन पर्यंत साधना हम करते रहते हैं।